हेलो गाइस, दिस इज़ कबीर। वेलकम टू स्ट्रीट स्ट्रीट 24x7। सो फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस एचपी करंट अफेयर्स फ्रॉम अप्रैल 16 टू अप्रैल 30th। तो हम इस वीडियो में बेसिकली अप्रैल 16 टू अप्रैल 30th मोस्ट इंपॉर्टेंट हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, मैं आप सभी का सबसे पहले तो अपने चैनल की तरफ से दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। अगर आप चैनल के साथ पहली बार जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दें और ऊपर जो बेल आइकन घंटे का साइन है उसको प्रेस करके हर वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए अप्लाई कर दें। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द सेशन। और इसके अलावा आप चाहें तो इस वीडियो की पीडीएफ के लिए हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। आपको टेलीग्राम चैनल पे @StreetStudy लिखना है और वहाँ पे आप हमें इजीली वीडियो की हर वीडियो की पीडीएफ ले सकते हैं। सो पॉइंट नंबर 1, स्पेशल पैकेज अनाउंस्ड फॉर कांगड़ा टी इंडस्ट्री। अभी हाल ही में स्पेशल पैकेज अनाउंस्ड किया गया है कांगड़ा टी इंडस्ट्री के लिए, बिकॉज COVID-19 के कारण बहुत सी प्रॉब्लम आ रही थी कांगड़ा जिला में। तो कितने अमाउंट का है ये इकोनॉमी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एचपी इकोनॉमी भी बहुत से एग्जाम में पूछी जाती है। और जो एचपी के करंट है वो आपने देखा होगा मैक्सिमम एग्जाम में, चाहे वो आप एचपी जेबीटी एचपी टेट कोई भी एग्जाम आप देने जा रहे हो तो आपको वहाँ पर ये एचपी जीके के क्वेश्चंस और एचपी करंट अफेयर्स देखने को मिलते हैं। तो स्पेशल पैकेज अनाउंस फॉर कांगड़ा टी इंडस्ट्रीज ऑफ ₹196.14 लाख। इस फिगर को आप एज इट इज याद रखें। नेक्स्ट पॉइंट इज वर्ल्ड बैंक टू प्रोवाइड ₹585 करोड़ फॉर अपग्रेडिंग रोड्स इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के लिए जो अपग्रेडिंग जो रोड्स को अपग्रेड किया जाएगा उसके तहत वर्ल्ड बैंक प्रोवाइड करेगा ₹585 करोड़। और कितने रोड बनाए जाएंगे? अराउंड 900 किलोमीटर के। फ्रेंड्स, इसके अलावा आपको ये भी याद रखना है वर्ल्ड बैंक का जो हेडक्वार्टर है कहाँ है। वर्ल्ड बैंक और IMF दोनों का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC। और इसके अलावा नासा का भी हेडक्वार्टर सेम प्लेस पे है। नेक्स्ट पॉइंट इज फीड परचेज सेंटर सेटअप एट कालायम। अभी हाल ही में गेहूँ खरीदने के लिए ये कालायम में जो सेंटर ओपन किया गया है ये कहाँ पे किया गया है? इन सिरमौर डिस्ट्रिक्ट। और इसका उद्घाटन किसने किया था? इसका उद्घाटन किया था बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट, बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट कौन है? राजीव बिंदल जी। इससे पहले कौन थे अगर पूछा जाए कि इससे पहले कौन थे राजीव बिंदल से पहले, तो इससे पहले थे सतपाल सत्ती जी जो ऊना कॉन्स्टिट्यूएंसी से आते थे। नेक्स्ट पॉइंट इज धर्मेंद्रा गिल, ही वॉज ऑनर्ड बाई गवर्नर। हमारे गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। तो उन्होंने बेसिकली इनको ऑनर किया है बिकॉज दे हैव डिवेल्प्ड वेब बेस्ड एप्लीकेशन फॉर मॉनिटरिंग वाटर सप्लाई। क्योंकि आपको पता है कि शिमला में वाटर की बहुत स्कार्सिटी हो गई थी आज से 2 साल पहले, एग्जैक्टली अराउंड 2018 में, तो बहुत दिक्कत हुई वहाँ पर पानी की, लोगों को पानी मिल नहीं रहा था। तो कैसे पानी की कमी को पूरा किया जा सकता है? तो ये मॉनिटरिंग करेगा वाटर सप्लाई को एंड इट विल एंश्योर क्लोरीन कंटेंट इन वाटर। आपको पता ना क्लोरीन पानी में क्यों डाला जाता है? ताकि जो भी जो पानी को अशुद्ध करने वाली चीज़ें हैं, जो भी तत्व हैं, उनको नष्ट किया जा सके। तो इनको धर्मेंद्र गिल जी को ये मिला है गवर्नर द्वारा, एक विशेष सम्मान दिया गया है। और अगर बिकॉज दे आर द MD ऑफ शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड। नेक्स्ट पॉइंट इज ₹50 लाख इंश्योरेंस कवर फॉर सैनिटेशन स्टाफ इन शिमला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। तो शिमला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में जो भी सैनिटेशन स्टाफ काम करता है उनके लिए ₹50 लाख का इंश्योरेंस कवर दिया गया। आपको पता ना कि सैनिटेशन वर्कर इस टाइम पे COVID-19 के हाई रिस्क में माने जा रहे हैं, इसीलिए देखते हुए शिमला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने ये अनाउंस किया है ताकि अगर किसी के साथ ऐसी कुछ अनहोनी होती है तो उनको ₹50 लाख का इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज हु इज अवर अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और हमारे अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं श्रीमती सरवीन चौधरी। तो इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको ये भी याद रखना है कि जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, क्योंकि एजुकेशन से रिलेटेड बहुत से पॉइंट आ रहे हैं। तो एजुकेशन मिनिस्टर हैं हमारे सुरेश भारद्वाज जी। नेक्स्ट पॉइंट इज पीच बाउल ऑफिशिया। पीच बाउल ऑफिशिया किसको कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राजगढ़। राजगढ़ कहाँ है? सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट पॉइंट इज फेस्टिवल, एक फेस्टिवल है फागली फेस्टिवल, ये कहाँ पे मनाया जाता है? इट इज सेलिब्रेटेड इन किन्नौर डिस्ट्रिक्ट। और अगर ये भी पूछा जाए कि मोस्ट प्रोबेबली कौन से महीने में मनाया जाता है, ये मोस्ट प्रोबेबली मार्च के महीने में मनाया जाता है, फरवरी और मार्च के महीने में मनाया जाता है। मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। HP फर्स्ट व्हीकल सैनिटेशन टनल कहाँ पे इंस्टॉल की गई है? इट इज इंस्टॉल्ड एट पोंटा साहिब इंटरस्टेट बैरियर। अभी आपने सुना होगा हाल ही में PPE बहुत न्यूज़ में है, ये एक टर्म है PPE। व्हाट इज दिस PPE? दिस इज पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। इसमें क्या आते हैं? सैनिटाइजर एंड मास्क। बेसिकली सैनिटाइजर एंड मास्क प्रोवाइड किए गए हैं फॉर पुलिसमैन के लिए। आपको पता है ना कि पुलिसमैन भी बहुत ज़्यादा रिस्क में हैं, क्योंकि वो बहुत से बैरियर्स पे खड़े होते हैं और उनको बहुत से लोगों की
आवाजाही रोकनी होती है कि ताकि लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव ना कर पाएँ, क्योंकि आपको पता है ये कोविड-19 को आप तभी हरा सकते हैं अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखते हो। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखना जरूरी है, तो पीपीई याद रखना आपको, इट इज़ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। नेक्स्ट पॉइंट इज एचपी फार्मा यूनिट टू प्रोवाइड इथेनॉल वेस्ट सैनिटाइजर। तो हिमाचल प्रदेश की जो फार्मा है ये इथेनॉल वेस्ट सैनिटाइजर प्रोवाइड करेगी, तो बिकॉज ऑफ स्कार्सिटी ऑफ आईपीए, दैट इज आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। अभी मैंने कुछ टाइम पहले किसी फ्रेंड को फ़ोन किया था, ही वॉज वर्किंग इन बद्दी, तो मैंने पूछा एग्जैक्टली हो क्या रहा है, तो उसने मुझे बताया कि जो आईपीए का कुछ प्राइस था वो पहले 60 रुपीज़ के अराउंड था, वो जैसे ही ये कोविड-19 आया उसका प्राइस मैनीफोल्ड इंक्रीज हो गया है, जो कि बहुत सी फार्मा इंडस्ट्रीज उसको बियर नहीं कर पा रही हैं, इसलिए दे आर शिफ्टिंग फ्रॉम आईपीए, दैट इज आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, टू इथेनॉल वेस्ट सैनिटाइजर। नेक्स्ट पॉइंट इज टांडा मेडिकल कॉलेज गेट्स। तो टांडा मेडिकल कॉलेज ने जो कि कांगड़ा में है गेट्स कोरोना वायरस कोविड-19 टेस्टिंग की मशीन, इनको टांडा मेडिकल कॉलेज को कोरोना वायरस टेस्टिंग मशीन मिली है। इसको किसने दिया है? इट इज गिवन बाई आईएचबीटी। आईएचबीटी कहाँ पे है? पालमपुर में। नेक्स्ट पॉइंट इज, सो फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर अभी तक आपने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो आप वहाँ पे स्ट्रीट स्टडी 24/7 लिखे सर्च बॉक्स में और आप हमें वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। फ्रेंड्स ये हमारी पोस्ट हैं, हम हर वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन होती है, जो भी हम वीडियो डालते हैं उसको साथ का साथ हम इंस्टाग्राम पे अपडेट कर देते हैं, ताकि आप कोई भी वीडियो को मिस ना कर सकें, क्योंकि फ्रेंड्स करंट अफेयर और जो अदर सेक्शन जो हम अपलोड करते हैं ये ऐसा सेक्शन है जिसमें आप मैक्सिमम स्कोर ऑब्टेन कर सकते हैं और इसी से आप भीड़ से अलग हो सकते हैं, क्योंकि हिस्ट्री पॉलिटिक्स ज्योग्राफी के क्वेश्चन तो सब सॉल्व कर लेते हैं, बट करंट अफेयर सेक्शन आपको सफलता अवश्य दिलवाएंगे। इसके अलावा अगर चाहें आप वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो भी आप हमें @StreetStudy लिखें टेलीग्राम चैनल पे और वहाँ पे जाके आपको इस वीडियो का पीडीएफ मिल जाएगा। वो आप वीडियो का पीडीएफ जब भी कभी फ्री बैठे होते हैं तो आप वीडियो को पीडीएफ से भी सॉल्व कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स इसके अलावा मैं आपको यही कहना चाहूँगा, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हिट द सब्सक्राइब बटन और प्रेस द बेल आइकन, और साथ में वीडियो अच्छी लगती है तो साथ के साथ लाइक करते जाएं। अगर आपको वीडियो लाइक नहीं भी करनी है तो मत कीजिए, बट जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि जो भी फ्रेंड्स आपके जो हिमाचल प्रदेश के एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं अगर उनके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होए तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, क्योंकि हम ये खुद चाहते हैं मैक्सिमम स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम इस साल क्लियर हो सकें। नेक्स्ट पॉइंट इज हु इज़ द कांगड़ा म्यूनिसिपल काउंसिल प्रेजिडेंट। तो कांगड़ा म्यूनिसिपल काउंसिल के प्रेजिडेंट कौन है? सो दैट इज कोमल शर्मा। नेक्स्ट पॉइंट इज रिवालसर लेक। रिवालसर लेक कहाँ पे है? मंडी डिस्ट्रिक्ट में। ये इसलिए फेमस थी बिकॉज इस बार नो होली डिप ऑन द ओकेजन ऑफ बैसाखी। बैसाखी के टाइम कोई भी वहाँ पे स्नान नहीं लिया गया, कोई होली डिप नहीं लिया गया, क्योंकि कोविड-19 के कारण गवर्नमेंट ने और पुलिस पर्सनल ने बहुत ज़्यादा सोशल डिस्टेंसिंग रखी हुई थी। इसके अलावा भी आपने सुना होगा बहुत से जगह पे ये बैन किया गया था होली डिप को। सो देर इज़ ऑल्सो ए वेब पोर्टल फॉर चेकिंग न्यूज़। तो हिमाचल प्रदेश ने जो भी फेक न्यूज़ बन रही है उनको चेक करने के लिए एक पोर्टल बनाया है, दैट इज़ httpfakenews.hp.gov.in। ये पोर्टल बेसिकली इसलिए बनाया गया है क्योंकि बहुत से लोग मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं कोविड-19 के लिए, तो कोविड-19 की जो मिस इन्फॉर्मेशन है उसको रोकने के लिए ये पोर्टल बनाया गया है। आप इस पोर्टल पर जाके चेक कर सकते हैं कि कौन कौन सी फेक न्यूज़ चल रही हैं और आपको इन फेक न्यूज़ पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। और फ्रेंड्स और जितना हो सके आपको पुलिस पर्सनल जॉब की आपके एरिया में है, चाहे आप कोई सी भी एरिया से बिलोंग करते हैं रेड ऑरेंज या फिर ग्रीन, आपको हर पुलिस पर्सनल की बात माननी है, और इसके अलावा आपको प्रशासन की भी पूरी सहायता करनी है। जो भी प्रशासन नए नए आपको पता कुछ कुछ टाइम में ही कुछ कुछ रूल्स चेंज होते जा रहे हैं, आपको प्रशासन जो भी हमारे डिप्टी कमिश्नर DC वगैरह हैं जो भी वो ऑर्डर देते हैं आप उनको प्रॉपर से फॉलोअप कीजिए, बिकॉज फ्रेंड्स ये बहुत क्रूशियल इलनेस है, बहुत क्रूशियल बीमारी है। अभी तक भी इसका कुछ पता नहीं चल पाया है कि इसका इलाज कब होगा, कितने सालों में इसकी मेडिसिन आएगी। बहुत सी कंपनियां जैसे पीफाइजर वगैरह क्लेम कर रही हैं कि दे आर वर्किंग ऑन इट, बट एज़ पर WHO और एज़ पर USA उन्होंने साफ बोल दिया है कि अभी तक कोई भी ऐसी दवाई नहीं बनी है और हो सकता है आने वाले बहुत टाइम तक ये दवाई बने। तो फ्रेंड्स हो सके जितना आप सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, अगर आपको लगता है कि आपको कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो आप चाहें तो सेल्फ क्वारंटीन हो सकते हैं। सो इसके अलावा भी फ्रेंड्स अगर आपको कोई क्वेरी हो हमारे वीडियो से, आप चाहें प्ले लिस्ट में जाकर डिफरेंट डिफरेंट वीडियोज़ देख सकते हैं, करंट अफेयर हो, हिमाचल करंट अफेयर हो, नेशनल करंट अफेयर हो, HP GK हो, या प्रीवियस ईयर पेपर हो, वो भी आप जाके देख सकते हैं। सो कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट करके बताना, हम साथ
के साथ आपका रिजोल्व कर देंगे. सो थैंक यू फ्रेंड्स, कीप लविंग अस, कीप सपोर्टिंग अस, बिकॉज टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस. सो गॉड ब्लेस यू ऑल.